हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज अगर बात करेंगे तो निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो है, एंडिंग में जो है मार्केट बंद होने के टाइम काफ़ी नीचे आया है। और ये तो एक न्यूज़ आया है, सीए जो कानून लाया है गवर्नमेंट ने, तो उस वजह से मार्केट में थोड़ा सा फॉल आ गया है। तो जो मार्केट ओवरबॉट अभी सिचुएशन में चल रहा है, अगर डेली में भी देखेंगे, ये डेली कैंडल है, डेली चार्ट है, तो ये जो बुल रन आया है अभी मार्केट को करेक्ट तो होना है, लेकिन कुछ ट्रिगर चाहिए, न्यूज चाहिए कुछ, तब भी मार्केट ऐसा फॉल करता रहेगा। और अभी जो है इलेक्शन के असर दिखना शुरू हो गया है मार्केट में, तो ऐसी वॉलीटिलिटी मार्केट में अभी कंटिन्यूस होने वाली है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फ्राइडे का जो क्लोजिंग था हमारा, यहाँ पे एक डोजी बन रहा था, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल टाइप भी दिख रहा था यहाँ पे, तो इसका लो जब भी इसने ब्रेक किया तो यहाँ से काफ़ी अच्छा हमें फॉल आज देखने मिला है। और कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, हमने आज एक जीरो एरो ट्रेड भी दिया था अपने ग्रुप में एजुकेशनल पर्पज के लिए, 6 रुपये दिया था मैंने, तो डबल लगभग डबल हो गया, तो 11+ उसने हाई लगाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो चलिए बात करते हैं अभी कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के, तो लेवल डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ पे लेवल मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ये लेवल्स पता होंगे जो मैंने फ्राइडे को ही प्रोवाइड कर दिए थे, वो अभी तक वैलिड है। तो मैं आपको थोड़ा सा मिस ही लग सकता है, यहाँ पे ज़्यादा लाइन्स दिखेंगे, लेकिन जहाँ पे प्राइस मैंने लेबल लगाया हुआ है उसी को आपको फॉलो करना है, वही आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो अपडेट था मैंने फ्राइडे के दिन ही मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ था, ये इस रेंज से अगर मार्केट बाहर निकलता है तो जिस साइड निकलेगा उस साइड अच्छे मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला कैंडल जो मार्केट ने बनाया तो ओपनिंग तो हाई कैंडल था, उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से नीचे आता गया, तो इसका अपडेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ था कि मार्केट आज थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये वाले जो है लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए थे, सुबह ही मैंने निफ्टी का बैंक निफ्टी का दोनों का प्रोवाइड किया था, अगर यहाँ पे नीचे इससे नीचे निकलेगा तो ये वाले लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा हमें फॉल देखने मिला है। और बैंक निफ्टी का भी मैंने यहाँ पे लेवल दिया हुआ था, इसके नीचे आएगा तो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का भी अगर देखोगे आप तो यहाँ पे मैंने ये भी प्रोवाइड कर दिया था, बाद में अगर देखोगे यहाँ पे तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा फॉल दिया, और जो व्यू था इस तरीके से मार्केट ने यहाँ तक निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी ने 47,500 तक टच किया, और निफ्टी 50 जो है 400 के लेवल तक यहाँ पे टच कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गई चैनल की बात, टेलीग्राम चैनल की। अगर आप नए हो इस चैनल से तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, यहाँ पे जो आपको राइट हैंड कॉर्नर में क्यूआर कोड दिख रहा है इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके जुड़ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उससे भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। और ये जो है मेरा टेलीग्राम, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, उसको फॉलो करके आप नोटिफिकेशन बेल जो है प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी कुछ स्टॉक के एनालिसिस वीडियोस होते हैं, कुछ मल्टीबैगर्स कुछ स्विंग के लिए स्टॉक्स होते हैं उनके एनालिसिस वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट कल के लिए कौन सा हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा, क्या प्लान रहेगा, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है यहाँ पे 22,300 के आसपास जो हमें क्लोजिंग मिली है यहाँ पे आज की निफ्टी की 22,332 का क्लोजिंग मिला है। अगर लॉन्ग आपको करना है तो लॉन्ग आपको 400 के ऊपर ही करना पड़ेगा, जब तक 400 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा, लॉन्ग पोजीशन 400 के ऊपर बनेगा, फर्स्ट टारगेट आपका 22,470 का होगा, और सेकंड टारगेट अगर देखोगे आप तो 550 का आपका सेकंड टारगेट होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो जब तक 400 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका कोई भी यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन नहीं बनेगा, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 300 का लेवल अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस करता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो आप 200 तक का एक लेवल हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आप ये जो लेवल्स है ब्लू कलर में यहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है
प्राइस लेवल जहाँ पे लेवल मैंने जहाँ पे लगा के रखा है वो आप मार्क करके रख सकते हो। 22,200 के नीचे अगर निकलता है तो 22,150 का आपका ये फाइनल टारगेट होने वाला है कल के लिए। अगर इसके नीचे में निकलता है तो हम ट्रेडिंग करते हुए चलेंगे। इसका मैं आपको ट्रेडिंग के जो लेवल्स होंगे वो मैं आपको लाइव मार्केट में प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे, सिंपल सा एनालिसिस है। जैसे फ्राइडे का था, ये बॉक्स से जैसे बाहर निकला मार्केट, तो मैंने यहाँ पे अगर देखोगे तो एक कॉल भी मैंने प्रोवाइड किया था, ये फिर निफ्टी का भी मैंने प्रोवाइड किया था। यहाँ पे अगर देखोगे मिड कैप का एक मैंने दिया था, इसने भी काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न दिया। और ये वाला जो था 10,850 का पी मैंने दिया था 6 रुपये को, जिसने लगभग हाई अगर देखोगे तो 6 रुपीज़ का 11 रुपीज़ प्लस का हाई इसने लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने लिख दिया था 2:24 में निफ्टी क्रैकिंग, तो निफ्टी काफ़ी अच्छा यहाँ पे नीचे आ रहा था। तो ये हो गई निफ्टी की बात। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो मार्किंग दिया था सुबह, इस लेवल के नीचे आ सकता है मार्केट, तो ये जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाया। तो देखिए इसमें भी अगर आपको बुलिश पोजीशन बनाना है तो 47,500 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तो कोई भी बुलिश पोजीशन आप नहीं बना सकते, तो यहाँ पे मार्केट फंसा सकता है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है इसी रीजन में तो ये एक नेट नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर इसके डे हाई के नीचे निकलता है तब भी आपका एक पोजीशन बनेगा। 300 के नीचे अगर निकलता है, 47,300 के नीचे, 47,300 के नीचे अगर निकलेगा तो 47,100 आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। और सेकेंड जो फाइनल टारगेट होगा आपका 46,900 का आपका ये फाइनल टारगेट होगा। ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉक्स है। इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो नीचे के टारगेट हमें देखने सकते हैं। ये भी था, अगर गैप अप ओपन होता है कल मार्केट और 500 के ऊपर कुछ ट्रेड करने लगता है 5-10-15 मिनट का, हमें अगर 15 मिनट का कैंडल कुछ यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाता है तो हम ऊपर की साइड में कॉल साइड में हम पोजिशन बना सकते हैं। और 500 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई भी बुलिश पोजिशन यहाँ पे हमें नहीं बनाना है। लग रहा है कि बीएस जो है वापस आ चुके हैं मार्केट में, तो अपसाइड जब भी आप कुछ ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करना है, और डाउन साइड के लिए आप नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए अभी बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो कल भी हमें काफ़ी तगड़ा वाला 0-0 ट्रेड मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से। तो आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो हीरो हीरो से हीरो जीरो ट्रेड है उसका आप फायदा उठा सकते हो। इसको भी अगर देखोगे तो फ्राइडे का ये वाला लेवल था मेरा, इसके अगर ऊपर निकलता है तो ट्रेड बनेगा, इसके नीचे निकलता है तो ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे फिर निफ्टी में भी आज ओपन इस टू हाई कैंडल यहाँ पे बना था, उसके नीचे मार्केट कंटिन्यू सस्टेन किया। और ये वाला जो इसमें भी मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अगर नीचे निकलता है मार्केट 800 के नीचे, तो आपका अगर फ्लैट ओपन होता है और इसके 800 के नीचे निकलता है तो 20,750 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो होगा आपका 20,716 से लेके 20 का सेकंड टारगेट पकड़ के चलिए। और इसके फर्दर नीचे निकलता है तो ये वाले लेवल आप पकड़ के चल सकते हो। ये आपको लाइव मार्केट में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 900 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो हम बुलिश साइड की पोजीशन लेंगे, तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा 950 का होगा, 20,950 का। सेकंड टारगेट जो है 21,000 का होगा आपका, और फर्दर उसके ऊपर निकलता है तो 21,670 का पकड़ के चलिए आप। ये जो हाई है 21,070 का आप पकड़ के चल सकते हो ये लेवल। तो ये था सिंपल एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का। तो अभी तक अगर आपने अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।